मोल्ड एक प्रकार की फंगस। आपने इसे कई बार अपनी खाने की चीजों पर देखा होगा, या फिर हो सकता है कभी गलती से आपने इसे खा भी लिया हो और वापस इसे पेट से बाहर निकालने की बड़ी कोशिशें की हो। बट क्या आप जानते हैं कि ये मोल्ड हमारे लिए खतरनाक होते भी हैं या नहीं, और क्या होगा अगर आप गलती से या फिर जानबूझकर इन मोल्ड्स को खाना चाहोगे? तो क्या ये मोल्ड्स आपकी बॉडी को बुरी तरह प्रभावित कर सकते हैं या फिर ये सिर्फ हमारा वहम है? दरअसल फफूंद यानी ये मोल्ड एक प्रकार का जीव है जो हमारे आसपास एक बड़ी संख्या में हर वक्त मौजूद होता है। ये जीव बैक्टीरिया की साइज से कुछ बड़े होते हैं और इनके स्पोर्स यानी बीजाणु हवा और पानी के साथ फैलकर खाने योग्य चीजों या दूसरे ऑर्गेनिक आइटम पर अपनी जड़ें गाड़ लेते हैं। किसी भी ऑर्गेनिक आइटम पर मोल्ड सामान्य तापमान और नमी की स्थिति में पनप सकते हैं, और जब कोई ऑर्गेनिक चीज सूख जाती है तब ये मोल्ड उसे छोड़कर दूसरी चीज तक आसानी से अपना रास्ता बना लेते हैं। ये मोल्ड किसी भी ऑर्गेनिक आइटम पर एक बार आने के बाद अपनी जड़ों और आकार को लगातार बड़ा करते रहते हैं, परंतु कई बार ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें भोजन पर आसानी से देख पाना मुश्किल होता है। एक रिसर्च के अनुसार ये मोल्ड हमारी बॉडी के लिए खतरनाक नहीं होते, इसलिए अगर आप इन्हें गलती से भी खा लेते हैं तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ इतनी कमजोर होती है कि ये हमारी बॉडी की हीट को सहन नहीं कर पाते, और पेट के अंदर जाने के बाद इनमें से ज्यादातर फंगस तुरंत मारी जाती है, और फिर इसका असर आपके इम्यून सिस्टम पर भी डिपेंड करता है। अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहा है तो आपको इसे खाने के बाद कुछ नहीं होगा, बट कुछ केसेज में हो सकता है ये मोल्ड आपकी बॉडी में एलर्जी को बढ़ा दे जो आपको थोड़ा परेशान कर सकती है। ऐसा होने की संभावना तो बहुत कम है, लेकिन इसे खाने के बाद यदि आप अपने आप को बीमार महसूस करते हैं या फिर मतली व वोमिट आना शुरू हो जाए तो समझिए ये मोल्ड अब आपके लिए मुसीबत बन चुका है। इसलिए आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत होगी, क्योंकि हो सकता है कुछ समय बाद ये मोल्ड कमजोर इम्यून सिस्टम के चलते आपकी बॉडी में माइकोटॉक्सिन नामक जहरीली चीज तैयार करने लग जाए जो आपको और तेज बीमार बना सकती है, मगर ऐसा होने की उम्मीद बहुत कम है। सो अगर आप इसे जानबूझकर भी खाना चाहेंगे तो भी ये आपकी जान नहीं ले पाएगा और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम तुरंत ही इस मोल्ड को पचा लेगा। इन मोल्ड में से कुछ मोल्ड ऐसे भी होते हैं जिन्हें जानबूझकर शौक से खाया जाता है और जो वास्तव में खाने लायक होते हैं। अगर किसी चीज पर मोल्ड आ गई है तो उसे पूरी तरह फेंक देना जरूरी नहीं है। आप फल और सब्जियों जैसी हार्ड चीजों से मोल्ड स्पॉट को कुछ दूरी से काट कर इन्हें खा सकते हैं, जो बिल्कुल सुरक्षित तरीका है। परंतु आप दही, मांस और बाकी कई सॉफ्ट चीजों को मोल्ड आने के बाद इस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। इन्हें पूरी तरह फेंक देना ही ठीक रहेगा, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि मोल्ड लगी सभी चीजें अभी तक फ्रेश बनी हुई है, हो सकता है वो पुरानी हो चुकी हो। तो फ्रेंड्स, सीधे तौर पर मोल्ड्स यानी फफूंद हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, बट अगर आप इन्हें गलती से भी खा लेते हैं तो आपको तब तक कुछ भी करने की जरूरत नहीं है जब तक आप अपने आप को बीमार महसूस ना करें। तो अगर आपने लाइफ में कभी भी मोल्ड नहीं देखे या फिर देखे हैं तो मोल्ड का कौन सा कलर आपने देखा है हमें कमेंट करके बताएं। ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, वह ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।